हेलो स्टूडेंट, इट इज क्लास ए, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल कोशिका, कोशिका की बनावट और इसके कार्य। आवर अर्थ इज इनहेबिटेड विद ए वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों से भरी हुई है। All the living forms look very different from each other, but they all carry basic function of life in similar manner. सभी जीवधारी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन उनमें एक समानता है कि वे जीवित हैं। In spite of having great variation in shape, size, color, food habits, etc., they all carry one basic feature that they are all made up of cells. वे बहुत बातों में अलग हैं, उनके आकार अलग हैं, वे छोटे बड़े भी हो सकते हैं, कोई गोल है, कोई लंबा है, कोई चपटा है, कोई चीज देखो, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से बहुत अलग होते हैं, सबकी अलग अलग भोजन होते हैं, फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं, लेकिन तब भी उनमें एक और बेसिक फीचर है, एक और समानता है कि वे सब सेल से, कोशिका से बने हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए, जीवित प्राणी के लिए कोशिका सबसे मूल तत्व है। सेल्स कैन बी कंपेयर्ड विद ए ब्रिक, जैसे ईंट होती है, ईंट जोड़कर घर बनाया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, लाइक दैट सेल कैन होल्ड एनी क्रीचर, एनी लिविंग बीइंग। किसी भी जीवित प्राणी की संरचना के लिए एक ब्रिक की, एक सेल की जरूरत होती है। नाउ we have started discovery of cell. How it was discovered? We are fortunate that we have born in this era. हम भाग्यशाली हैं कि हम इस समय में पैदा हुए हैं। Throughout the most of the human history, scientists knew very little about life and how different organisms grow and survive. बहुत लंबे समय तक मानव इतिहास में वैज्ञानिक जीवन और इसके प्रक्रिया के बारे में बहुत कुछ कम जानते थे कि यह किस तरह से उत्पन्न हुआ है और किस तरह प्राणी जीवित रहता है। इस बार अंटिल 1665 दैट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द इन 1665 सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सेल के बारे में खोज की। हाउ He discovered, he made a microscope. उन्होंने माइक्रोस्कोप की संरचना की और he take a slice of cork and put it under the microscope. और उन्होंने एक कॉर्क का टुकड़ा लिया, उसकी पतली सतह ली और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। When he put under microscope, he saw tiny room-like structure which looked like a honeycomb, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, उसी तरह से छोटे छोटे कंपार्ट बने हुए थे। So the cell that Hooke saw throughout his microscope were all dead.
बिकॉज द कॉर्क केम फ्रॉम ए प्लांट दैट हैड डाइड सिंस लॉन्ग। उन्होंने जो कॉर्क का टुकड़ा लिया था वो उस पौधे से बना हुआ था जो कि पहले मर चुका था। सो ही गिव द नेम सेल अकॉर्डिंग टू विच स्मॉल रूम। उन्होंने इसे सेल दिया नाम जिसका मतलब होता है छोटी जगह है। लेटर ऑन अ डच साइंटिस्ट एंटोन वेन लियोवेनहॉक डिसाइडेड टू ट्राई एंड लुक एट थिंग्स दैट वर स्टिल अलाइव। बाद में डच वैज्ञानिक एंटोन वेन ने जीवित प्राणियों के लिए देखा, उनके खून को, उनके मुंह में, उनके रूप में और तालाब के पानी की बूंदों को भी माइक्रोस्कोप में देखा। टुडे वी नो मेनी थिंग्स अबाउट द सेल ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तकनीक बढ़ चुकी है, तो हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। वी हैव इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप विच कैन गिव द डिटेल ऑफ इवन वेरी मिनट स्ट्रक्चर्स। अब इतनी अच्छी माइक्रोस्कोप बन गई है कि हम सेल के विभिन्न बारीक तत्वों को भी जान सकते हैं। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द सेल थ्योरी। साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को आगे बढ़ा दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसके अनुसार सभी जीवित प्राणी कोशिकाओं से, सेल से बने हैं। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। इसके अनुसार सेल जीवन का मूल आधार है और इसी से सभी प्राणियों के कार्य होते हैं अपने शरीर की सेल से। लिविंग सेल आर फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स। जीवित सेल से ही जीवित सेल बनता है। When a human is dead, its body cells are also dead. जब मनुष्य मर जाता है तो इसके शरीर की सेल भी मर जाते हैं। Now about the cell. अब इस सेल के बारे में हम जानेंगे। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल मूल आधार है जीवन का। लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम ईच अदर इन अपीयरेंस एंड अदर थिंग्स बट ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेल। सभी प्राणी एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन वे सभी कोशिकाओं से, सेल से बने हुए हैं। यू मस्ट बी अवेयर टू नो दैट सेल कंट्रोल इवन सिंगल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक द हाइट हेयर कलर एक्स्ट्रा। ये कोशिकाएं, ये सेल मनुष्य के शरीर, उसके शारीरिक संरचना, उसकी ऊंचाई, बालों का रंग सभी को नियंत्रित करते हैं। हैव यू सीन द एग ऑफ ए हैन। आपने मुर्गी का अंडा देखा है। द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड बिग इनफ टू सी इवन विदाउट ए माइक्रोस्कोप। मुर्गी का जो अंडा होता है वह भी एक सेल ही है जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। एंड वन अदर थिंग, द ऑस्ट्रिच एग इज द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। और जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वो सबसे बड़ा सेल है। बट अदर सेल नीड ए मैग्नीफाइंग ग्लास, अ माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट एंड मेक थिंग्स विजिबल टू आवर आइज व्हिच आर अदरवाइज नॉट विजिबल। लेकिन दूसरे सेल्स को देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है जिससे कि हम बारीक चीजों को भी देख सकते हैं। वैरायटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज की कोशिकाएं में, जो ये कोशिका है, सेल है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग लिविंग बीइंग में इनका नंबर भी अलग होता है, इनका शेप और साइज भी अलग हो जाता है।
different type of cell are studied by various scientists who made a number of observation. विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपनी खोज से, अपनी डिस्कवरी से अलग अलग तरह के सेल के बारे में बताया है. स्टेन और डाइज सच एज डिफाइन ब्लू एंड सेफ्रेनिन आर यूज टू कलर सर्टेन पार्ट ऑफ द सेल एंड स्लाइड्स आर प्रिपेयर्ड देयर आफ्टर टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर अंडर ए माइक्रोस्कोप. मिथाइल ब्लू और सेफ्रेनिन ये चीजें रंगीन रंग हैं जो कि सेल के भागों को अध्ययन करने के लिए, उनकी स्लाइड बनाने के लिए, ताकि वे रंगीन रूप से दिख सकें और हमें उनके बारे में अध्ययन करने में सुविधा हो, हम इनसे जान सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी हैव नो दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हम जान चुके हैं कि सेल या कोशिका हमारे जीवन का मूल आधार है. एनीवन कैन नॉट सर्वाइव, कैन नॉट बी बॉर्न विदाउट ए सेल. एक सेल, सेल के बने बिना कोई भी प्राणी नहीं बन सकता. सो रीड दिस चैप्टर केयरफुली. नेक्स्ट टाइम वी विल रीड फॉरवर्ड. ओके, अपना 7 चैप्टर तक वर्क पूरा कीजिए और स्कूल में चेक कराने आइए और दूसरे सब्जेक्ट का भी वर्क अपना लाइए और चेक कराइए. नियमित रूप से आइए, अपने वर्क में नियमित रहिए. ओके, टेक केयर ऑफ स्टडीज. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.